आप डाल डाल और मैं पात पात। ठीक है, राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक है? तो भाई आज की जो कुछ वीडियो है साइबर क्राइम से, मतलब साइबर क्राइम, इसमें आप जितने भी बचने की कोशिश करोगे उतना सोटा बरस सकता है। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 5 तारीख की न्यूज है और जागरण की न्यूज है, दैनिक जागरण की। ठीक है, अब इसमें एक खबर आ रही है निकल के, सर जी ये खबर निकल के आ रही है कि पुराने मोबाइल बन सकते हैं साइबर क्राइम का हथियार। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि जो भैया जी या जो भी कोई कस्टमर है हमारी दुकानों पे आते हैं, वो हमको वो फ़ोन सेल आउट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, घर ले जाके पटक देंगे, और घर ले जाके पटकने के बाद में उसे 4 दिन उनके बच्चे रेल बनाएंगे, घोड़ा बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तोराफारी करेंगे, एक दिन इसे किसी कोने में फेंक देंगे। तो भाभी जी जो होती है, भाभी जी होती हैं स्मार्ट, ठीक है ना। अब भैया जी तो चले जाते हैं ड्यूटियों पे, कामों पे, तो भाभी जी घर होती हैं तो कोई ना कोई जीरे वाला या कोई साड़ी वाला या कुछ न कुछ वाला आता है, तो वो क्या करती हैं, उन फ़ोनों से ले लेती हैं जीरा, एक फ़ोन से 2 बार तोल में। और कई बंदों अब कुछ ये भी हुआ कि जो अब कीपैड वाले फ़ोन तो सारे ख़त्म हो गए मार्केट के अंदर से, सब ख़त्म हो गए, कबाड़ों वालों ने इकट्ठे कर लिए, बेच दे, क्या कर दिया हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, जो अब आ रहे एंड्रॉयड फ़ोन, मतलब पुराने एंड्रॉयड फ़ोन हो गए, तो एंड्रॉयड फ़ोनों के अब उन्होंने जो कबाड़े वाले काम करते हैं इन चीज़ों को, तो उन्होंने क्या कर दिया कि एक फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से 4 साड़ियाँ, एक फ़ोन से एंड्रॉयड के से 4 साड़ियाँ, 250 250 250, सॉरी एक बार फालतू बोल गया हूँ तो। ठीक है, तो फिर भाभी जी तो उस फ़ोन से तो साड़ियाँ लेंगी ना, और साड़ियाँ लेंगी तो वो कबाड़े वाला फ़ोन करेगा। ये कुछ न्यूज है निकल के आई है और आपकी स्क्रीन पे ये सो रही होगी, पढ़ लेना, बहुत बड़ा मैटर है। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी वीडियो बड़ी हो जाती है और आप बोलते हो कि वीडियो बड़ी होती है। ठीक है, दैनिक जागरण की न्यूज में क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट है सावधान, आपका पुराना मोबाइल बन सकता है साइबर क्राइम का हथियार। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ दी गई है, अगर आपके पास पुराना टूटा फ़ोन है तो वो साइबर क्राइम के हथियार बन सकता है, उसे गैंग ले जा रही है और गैंग उन फ़ोनों को इकट्ठा कर करके अपना ऑनलाइन ठगिंग में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भाई अब क्या बोला है इन चीज़ों के बारे में, देखो किसी का कुछ नहीं है, हम भी कुछ इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते कि क्या गलत है क्या सही है, ना तो हमें ये पता कि ये काम कैसे होता, ना हमें ये पता कि इससे क्या करा जाए। तो भाई देखो ऐसा है, आप पुराना मदरबोर्ड लेते हो, मदरबोर्ड लेते हैं हम अपने काम से लेते हैं, स्वैप करने के काम लेते हैं, या उसमें कोई हमें आईसी चाहिए जो मार्केट में नहीं मिल रही, उस आईसी के प्रति लेते हैं हम, कोई भी छोटे बड़े से रजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह वगैरह, एक मदरबोर्ड के अंदर 50 चीज़ होती हैं, शायद मैं आपको बोल के बता भी नहीं सकता। ठीक है, और सब अपने अपने मतबल से लेते हैं, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को चाहिए, किसी को स्वैप करने के लिए चाहिए, किसी को नेटवर्क आईसी के लिए चाहिए, किसी को लाइट आईसी के लिए चाहिए, या किसी को कनेक्टर के लिए चाहिए, या किसी को ट्रेस करने के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ हैं जो शायद हम एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। तो भाई देखो ऐसा है, मैं सभी से बताना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट मतलब ये न्यूज़ किसी भाई ने सेंड करी मेरे को, फ़ोटो सेंड किया इसका, फिर मैंने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करने के बाद फिर मेरे को पता चला कि ये खबर 5 नवंबर की है और ये एक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा खतरा की घंटी है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि भाई साइबर क्राइम में होता क्या है, साइबर क्राइम में कोई किसी के फ़ोन को ले ले, और वो फ़ोन तो ले लिया, और जो हमारी जो सरकार मतलब हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं, अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और ना चाहें तो, ठीक है ना, तो अगर जो जो फ़ोन आप यूज कर रहे हो उस फ़ोन में सिम डली हुई है, सिम अगर आपने निकाल के फेंक दी और आप उसमें दूसरी सिम डाल दो, वो फ़ोन ट्रेस नहीं होगा, अगर वो चाहें पुलिस वाले तो उसे ट्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब जिस टाइम उसमें पुरानी सिम पड़ी थी, अब उस फ़ोन का आईएमई नंबर क्या था, और जब उसमें नई सिम डलेगी तो आईएमई नंबर से क्या फ़ोन ट्रेस नहीं हो सकता, हो सकता है ना, सारी चीज़ हो सकती हैं। अब इनका कहना है ये कि भाई जो ये फ़ोन है
इन्हें जो क्राइम करने में यूज किया जा रहा है, इन फोनों को कबाड़े के जो फोनों को खरीद लिया जाता, उनको सही करवाया जाता और सही करवाने के बाद उनसे क्राइम किया जाता। तो भाई देखो ऐसा है, आप हम सब इसी लाइन में हैं और फोन तो जितने भी भाई हैं सब ठीक करते हैं। हो सकता है कि कभी कोई ऐसा लपेटा आ जाए, शायद आपको लेने के जगह देना पड़ जाए। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कल परसों, एक भाई ने नीचे कमेंट करके बोला था कि फेक वीडियो। भाई अच्छी बात है, फेक वीडियो हमारी, और जब किसी दिन आप लपेटे में आओगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि फेक वीडियो क्या होती है और हकीकत की बात क्या होती है। ठीक है ना, सब पता चल जाएगा। भाई कोई किसी को शौक नहीं है थाने कोर्ट कचहरी अटरम सटरम के चक्कर लगाने, किसी को कोई शौक नहीं है। अपना काम तो होता नहीं है तो दूसरे के पास जाके हम क्या करेंगे, हम ये बताओ। तो भाई मेरा ये कहना है आपसे, जितना भी है बच के रहो, बच के रहो, बच के रहो। अब बचना कैसा हमें, कोई भी फोन आता तो भाई उसकी एक कॉपी बना लो, रजिस्टर बना लो, टैली कर लो, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो, जो सरल लगे उससे कर लो। कोई भी फोन आए बनने के लिए आए, सबसे पहले नंबर फोन ब्रांड कौन सी कंपनी का, मॉडल कौन सा और आईमी नंबर कौन सा, सबसे पहले तो ये चीज़ लिख दो उसकी। उसके नीचे उस बंदे का नाम लिख लो, कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, और क्या कमी थी वो लिखो ना लिखो वो एक अलग मैटर हो जाता, और उसका पूरा मतलब एक तरीका से ना सारी चीज़ मेंशन कर लो। आधार कार्ड की फ़ोटो किसी से मत लो, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी किसी से मत लो, आधार कार्ड पे जितना भी एड्रेस है एक सारा कुछ उसी पे मेंशन कर दो। ठीक है, कस्टमर का नाम लिख लो और उसका पिता का नाम लिख लो और बस उसका गांव लिख लो, और हो सके तो आधार कार्ड का नंबर लिख लो। अब आधार कार्ड के नंबर से कई बार क्या बोलते हैं कि पैसे निकल जाते, ये हो जाता वो हो जाता, भाई ऐसे तो कुछ होता नहीं है, बिना अंगूठा लगाए बिना वेरिफिकेशन के कोसी के कुछ नहीं होता। पर भैया पता नहीं आजकल क्राइम कैसा कैसा चल रहा, कोई पता नहीं, कोई घर में बैठा चाहे तो उसके खाते से पैसे निकल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जितने हम डिजिटल होते जा रहे हैं ना उतने ही हम ऐसी की तैसी होती जा रही हमारी, ठीक है ना। तो भाई देखो यही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम इस लाइन में हैं और आजकल जितना भी क्राइम हो रहा सब फ़ोन के थ्रू हो रहा, फ़ोन ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हर चीज़ में फ़ोन कॉलिंग वगैरह वगैरह सब कुछ, सब किसी चीज़ को उठा के देख लो सबसे पहले फ़ोन। कि अगर किसी बंदे का फ़ोन जेब से गिर गया या चोरी हो गया, जब वो फ़ोन नहीं मिलेगा, अगर आपकी चोरी हो जाए, लाखों दो लाखों की चोरी हो जाए या कोई मर्डर केस हो जाए या कुछ हो जाए, तो जब उसका सॉल्यूशन है उनके पास, पर जब हमारा फ़ोन जब 10-20 हज़ार रुपये का गिर जाता जब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। पर भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं पता, इसका तो देखो हमें भी नहीं पता ना आपको पता। बस ये है, आप सही रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। अगर आप सही हो तो आपकी फैमिली सही है, और आपकी फैमिली सही है तो आप भी सही हो। आप अच्छे से दुकान पे जा पाओगे, काम कर पाओगे, आपका मन लगेगा उसमें लगेगा। अब देखो मैं अपनी फैमिली का ही कल का मैटर बताता हूँ। कल रात को 12 बजे मेरे पेट में बन गई एसिड, बन जाती है अक्सर, पर मेरा होता ही कुछ पता नहीं, बैठे बैठे रहता हूँ इस वजह से या कहीं इधर उधर कुछ काम फाम के। तो रात के 12 बजे मेरे पेट में स्टार्ट हो गया, एसिड वाला गैस बनना हो गया। उसके बाद में 2 बजे तक मैंने झेला, नहीं झेला उसके बाद में। 2 बजे फिर मैं मार्केट गया, इंजेक्शन लगे, 3 इंजेक्शन, एक हाथ में लगा 2 पीछे लगे, ठीक है, एक टैबलेट लिया। तो उसके बाद 3:30-4 बजे सीख ठीक हो गया, घर आ गया। सुबह पिताजी आए, भाई किस लिए कर रहा तू इतना कुछ है, जब तू ही सही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, तू है तो हम भी हैं, हमारा भी है। और जब घर में कोई परिवार से कोई परेशान होता दुखी होता तो घर वाले क्या सही रहते हैं, नहीं रहते ना। तो भाई यही मेरा कहना है, आप सही हो तो मैं भी सही हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर हो ना तो आपकी वजह से मैं हूँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं यूट्यूबर हूँ कुछ नहीं है यार, जब मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा। तो मेरा एडवाइस जो है ना, थोड़ा प्लीज़ दिमाग में रख लेना, अपना काम करना, साइबर क्राइम कोई भी कैसे भी कभी भी आ सकता। अब मैं खुद बोलूँ मेरे पास कॉल कहाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ कहाँ से कॉल आती हैं, क्योंकि मेरा नंबर पब्लिश है। अब मैं किसी से क्या मना कर सकता हूँ कि भाई तू मेरे को कॉल मत कर, हो सकता है ना कुछ भी। अभी मैंने हेड्रा टूल मंगाया था दिल्ली से, अब वो सिक्योरिटी में फंस गया,
सिक्योरिटी में फंस गया हेड्रा के नाम से। एक हेड्रा एक अलग लेवल की बात है मेरे हिसाब से, कोई बम या कोई कुछ ऐसी चीज है हेड्रा, बहुत ज़्यादा हेड्रा के नाम से वो फंस गया। बताओ आप ये सोचो, जब हेड्रा के नाम से ही इतना सारा, वो 6-7 दिन सिक्योरिटी चेकिंग में रहा, जहाँ से आया उनको कॉल करी इसमें क्या था, आपने क्या भेजा, किनको भेजा क्या, और जब वहाँ से इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो जब मेरे को कॉल आई थी क्या इसमें आपने क्या मंगाया, मैं सर इसमें एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव टाइप का प्रोडक्ट होगा, हाँ इसमें क्या पीस है, एक पीस है, मैं सर एक पीस नहीं है इसमें तो ज़्यादा पीस है। तो जब उन्होंने वेरीफाई करके जब वो भेजा, तो भाई यही है हम आपको चाहते हैं, सिर्फ सेव करना बचाना, ठीक है। और जितना भी है, अगर आप किसी कबाड़े वाले से फ़ोन लेते हो, अगर आप किसी कबाड़े वाले से फ़ोन लेते हो तो तसल्ली से चेक करके लिया, कबाड़ा वाला तो कबाड़े के रेट में ही लेगा ना, और पर जब आपको बेचेगा, जब वो सोने के भाव बेचता उसको, चाहे तो वो 100 ग्राम जीरे में ही, 100 ग्राम जीरा 20-25 रुपये का, ठीक है उसमें, और उसी फ़ोन को वो आपको 300-400 रुपये में देगा, ठीक है। तो ये आप जब किसी से फ़ोन लेते हो तो सिर्फ उसे एक एसएन सीरीज पार्ट्स के तौर से लें बस, या किसी को मदरबोर्ड को स्वैप करने के तौर से लें। स्वैप करोगे तो कुछ नहीं होगा, रैम और सीपीयू को तोड़ के फेंक दो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो बात मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को समझो, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस वीडियो को आगे ना शेयर कर दो, ठीक है। जितना भी हो सके आप बचोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, हम जिस सोसाइटी में बैठते हैं तो आपका नाम भी बचेगा, ठीक है। अगर आप पे इतनी सी भी कुछ पुलिस वाली बात होगी ना, पूरी सोसाइटी आपके माइंड ऐसे देखेगी कि क्या हो गया, ठीक है। तो यही मेरा कहना है सभी भाइयों से कि उनके चक्कर में ना आए कबाड़े वाले के में, अगर आते हो तो जिस पर्पज़ से मैंने आपको बताया है इसी पर्पज़ से यूज करें। और ये आपको पूरी न्यूज पढ़नी है तो नीचे लिंक डाल दिया है, और जागरण वालों, दैनिक जागरण वालों से बोलता हूँ कॉपीराइट मत देना, ठीक है। तो यही है भाई, बस आपसे यही बात कहनी थी। और सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी, जिस भाइयों ने UMT डोंगल लिया है और उनका नया अपडेट आया था MTK 4.5, अगर उसे इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है, ओपन नहीं हो रहा, तो वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना, देख लेना उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम, माइकल गया।